हाय कर दो चश्मा पहन के सबको। हाय बोलो। हाय गाइस, ये वाला मम्मी। अच्छा डांस करना है आपको, कौन सा गाना पसंद है? अभी आपको ये वाला। अभी डांस कर दोनों जने प्रैक्टिस नहीं करते। शॉर्ट में मत चलाओ, लॉन्ग वाले वीडियो चलाओ तो डांस कर पाएगा। खड़े हो जाओ लेकर के, वो हां कर लेंगे। देखो आके देखो कैसे कर रहा है। हाँ ये वाला चल रहा था ना। बैठ के कोई अब लग जाएगा उसको। बैठ के डांस कौन करता है? थोड़ा सा दूर हो जाओ, उसको लग जाएगा एल्बो आपको। अच्छा वहां पर लग ओहो वो चश्मा रखने का स्टाइल तो देखो। हमको नहीं डांस करना बेटा, आप लोगों को करना है, तो आप लोग अपना सॉन्ग सिलेक्ट कर लो। हाँ उल्टा है, हाँ आप सीधा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे अपना, अपनों का भी। और यहाँ पे लोग मस्ती में लगे हैं, एक्चुअली ये डांस कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते हैं। युवराज बहुत अच्छा डांस करते हैं ऑफ कैमरा, कैमरा ऑन होते इनका डांस गायब हो जाता है। तो फिर मैं बोली थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि इन लोगों में क्या चल रहा है। ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं दोनों। आप कोई भी बजाओ, देखो कौन सा पार्टी सॉन्ग आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ज्यादा ही नॉलेज है। ये देखो इनका, देखो अरे पार्टी में ऐसे नहीं ऊपर जाता, क्या करता है? खड़े होकर करने के लिए बोला है। सुबह भी 6 बज रहे हैं, छोड़ आओ। तो वहां से उतर गिर जाएगा, वहां से उतर जल्दी। यहाँ का उम्र ही होता हो तो फ्रंट चालू है, फ्रंट तो इनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम है ना कैमरे से, मुझे नजर लगाने के ज्यादा डर है। हाँ सही बात है। क्या हुआ है? फनका हुआ है तो दिमाग थोड़ी दिखेगा इसे। दिमाग थोड़ी दिखेगा इसे। अनारा देखो आपका चश्मा फैल जाएगा। ये देखो, ये देखो ए बाबू मैं कैसी लग रही हूँ? नलायक कैमरा चालू है। मेरे बच्चे तो ऐसे ही है, दूसरे के बच्चे क्या कैमरा चालू होता है उनको पता है कि क्या बोलना है। कहाँ गए? जाए तैयारी नहीं लगे, कपड़ा सुखा दो। नहीं कपड़ा आधा तो सूख ही गया है, रख के ही। देखो ऐसे हो गई, देखो ऐसे पकड़ के चल रही थी, देखो
बेटा आपने डांस कर रहे थे इसलिए मैंने मोबाइल उठाया, चलो डांस दिखाया जाए। अरे लो शांत हो गए बापू भाई, साजू भाई करने कैसे सीख लो डांस, मैं भी सीखूंगी कपल डांस, मैं तो कर लूंगी, इनको रेडी करो कपल डांस के लिए। वो भाई नहीं तो अपन कपल बन जाएंगे। सही बात है ना, मैं तो क्या चटनी इतनी खत्म हो रही है, दूसरे नहीं खराब नहीं होता है, नमक नहीं रहता तो खराब नहीं होता, पर चटनी का स्वाद ही अलग आता है बाहर वाले का। डालो इतना कि वो डालो मैंने बस मतलब वो ले लो चटनी में नहीं। हाँ भाई मेरे को भी नहीं मजा आता, वो अजीब सा ही लगता है, जैसा सुना सुना सा लगता है एकदम। बेटा हाँ बेटा आप पहले खाते थे ना वैसे खा रही हो, आप भी तो पहले पानी में डुबो के फिर खाते थे। अरे कितने पूरा पकोड़े में पूरा पानी भर के खा रही है। हाँ तो खाने दे ना बेटा, जैसे ही खाए खाने दे, चुप रहने दे, इधर ही बीच पड़ेगी तो अंदर में कुछ खा लेंगे। ये भी डाल दो साथ साथ में, उधर मुंह से ये डाल दी, कोई नहीं ये वो काटा नहीं पीसे, वो कैसे पीसेगा क्या ये अदरक, ये वीडियो है रक्षाबंधन से एक दिन पहले का, यानी मंगलवार का। हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाया है बुधवार को 30 तारीख को। यहाँ हम चटनी की तैयारी कर रहे हैं, नारियल की चटनी बनाने वाले हैं और बनेगा सांभर डोसा और मसाला तैयार करूँगी। दाल मैंने पहले ही उबाल लिया, जब मैं बात कर रहे थे हम लोग तभी मैं दाल रख के चली गई थी कि बनता रहेगा। थोड़ा बहुत तैयारी मैंने शुरू कर दी थी और प्याज वगैरह कट कर लिया था, लहसुन वगैरह छील लिया था मैंने। एक्चुअली मुझे भाभी के हिसाब से चटनी बनानी है तो बस मैं भाभी को बोल रही थी कि आप बना लो, तो उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैं भी नारियल की चटनी बनाती हूँ तो चटपटी ही बनाती हूँ, काफ़ी लोग बहुत सिंपल बनाते हैं पर मेरे घर में ऐसा पसंद नहीं करते सिंपल एकदम से। मैं जो बनाती हूँ मैं बता देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। नारियल होता है मतलब नारियल, मूंगफली, अदरक, लहसुन, मिर्ची, मिर्ची वो हरी वाली भी हो सकती है या फिर लाल वाली भी हो सकती है, और थोड़ा सा जीरा डालती हूँ और करी पत्ता, करी पत्ता खूब सारा करी पत्ता जाता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें एक चीज़ भाभी ने ऐड किया है, प्याज, प्याज मैं नहीं डालती हूँ तो भाभी ने प्याज डाला है अभी। तो इसमें हमने पहले कढ़ाई मैं थोड़ा सा एक चम्मच जितना तेल डालती हूँ उसमें सारी चीज़ें डाल के मैं थोड़ा सा सॉटे कर लेती हूँ, पर भाभी ने बोला तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना तेल के ही कढ़ाई में हमने डाल दिया मूँगफली, आप सब ने देखा ही। और उसके बाद में डाला है प्याज स्लाइस में कटे हुए, बड़ा साइज का प्याज डाला है। उसके बाद में डाल दिया है इसमें लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, इन सारी चीज़ों को डाला है, डालेंगे इसमें फिर करी पत्ता, करी पत्ता भी खूब सारा जाता है नारियल की चटनी में। और उसके बाद में इसको लो टू मीडियम आंच पे भूना था कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, मतलब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए प्याज का, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा मुलायम हो जाता है ना एकदम, थोड़ा सा सॉफ्ट दिखने लगे आपको, उस तरीके से कर लेना है। तो उसके बाद में आप निकाल सकते हो, गैस बंद कर सकते हो। तो ये चटनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, मूंगफली या चने का दाल में से कुछ भी आप डाल सकते हो, मतलब मैंने मूंगफली डाला है, अगर ना हो तो आप चने का दाल भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास चने का दाल रोस्टेड नहीं था तो भाभी को रोस्टेड चाहिए था तो वो था नहीं, तो मैंने बोला चलो मूंगफली डालते हैं, और हमेशा मैं मूंगफली ही डालती हूँ नारियल की चटनी में। भाभी ने बोला ठीक है मूंगफली ही डाल देते हैं, तो मूंगफली या चने की दाल मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो। और यहाँ खाना बनाना है, मैं ना बनाऊं बेटा, छोड़ दूं मैं बंद करूं खाना बनाना। तो चटनी का काम पूरा हो चुका है तो उसे मैंने निकाल दिया है एक बर्तन में, डाल दिया है पानी थोड़ा सा ताकि वो सॉफ्ट भी हो जाए ठंडा भी हो जाए, क्योंकि मूंगफली है तो पानी डाल के छोड़ते हैं ना तो सॉफ्ट हो जाता है, चटनी बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है। यहाँ मैं कर रही हूँ सांभर की तैयारी, कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था, डाला है इसमें राई, करी पत्ता और हींग, सबको अच्छे से तड़कने के बाद में लंबे टुकड़े कटे हुए प्याज डाल रही हूँ मैं यहाँ पे,
और प्याज को थोड़ी देर के लिए मैं भून लूँगी। और मैं सांभर बहुत सिंपल बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को सिंपल ही पसंद आता है, वेजिटेबल्स वाले सांभर इनको पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं कभी भी वेजिटेबल्स ऐड नहीं करती हूँ। प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद में मैंने डाल दिया है टमाटर दो मीडियम साइज़ के, और उसके साथ में मसाले भी जो रूटीन के मसाले होते हैं वो, और थोड़ा सा नमक जो कि हमें टमाटर और प्याज के लिए चाहिए, दाल में तो हमने नमक डाला हुआ ही है। और सबको डाल के अच्छे से मैंने मिला लिया, ढक के छोड़ दिया ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जब तक यहाँ पे मैं आलू छील ले रही हूँ जो उबाल के हमने रखे हैं, और पीले आलू आपको दिख रहे होंगे तो मैंने दाल में ही उबाल लिए थे कि डबल मेहनत कौन करे, तो इसलिए ये पीले पीले दिख रहे हैं। और इसके बाद में देखिए जो मसाला अच्छे से तैयार हो गया, भुन गया है मसाला, उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे दाल उबला हुआ जो था उसको अच्छे से चला के मैश करके। और कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है अभी और सांभर में, तो हम ऐड करेंगे। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे दाल डाल दिया उबालने के लिए, मतलब मसाले के साथ में। मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि कढ़ाई छोटा पड़ रहा है, तो अभी मैं इसे करूँगी कुकर में वापस से, क्योंकि चलाते नहीं बनेगा। देखो कढ़ाई एकदम से फुल हो चुका है। एक्चुअली जो कढ़ाई है ना, मैंने छोटा वाला ले लिया था, ज़्यादा बड़ा वाला कढ़ाई मैंने नहीं लिया था, मुझे लगा इसमें हो जाएगा तो मैंने वही कढ़ाई ले लिया था, तो फिर मुझे इसमें कुकर में वापस से डालना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें अभी और ऐड करेंगे हम सांभर के लिए, क्योंकि इसमें ये दाल है, अभी सांभर बना नहीं है, अभी इसको हम दाल बोल सकते हैं जैसा हम दाल बनाते हैं। सांभर के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, जो चाहिए होती हैं एक्चुअली, वो मैं अब ऐड करूँगी इसमें। तो इसमें मैं ऐड करूँगी सांभर का मसाला, थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ, मुझे गाढ़ा लग रहा था यहाँ पे। सांभर का मसाला मैंने ऐड नहीं किया, मैं लास्ट में ऐड करती हूँ, मतलब मसालों के साथ में नहीं भूनती हूँ सांभर का मसाला डाल के, मैं जब उबलता हुआ दाल में ही डालती हूँ तो अच्छा टेस्ट आता है। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आप सबको फ़र्क दिखेगा टेस्ट में। और जैसे मैंने बताया कि मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता वेजिटेबल्स वाले, और इस तरीके से भी बना के आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, आप बना के देखिएगा, टेस्ट में कोई भी ऐसा अंतर दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पे मैंने सांभर मसाला डाल दिया, आप सबने देखा है, दो बड़े चम्मच भर के मैंने सांभर मसाला ऐड किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी गुड़, क्योंकि जो सांभर है खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गुड़, कूट के डाल रही हूँ। और इमली मैंने भिगो के रखा हुआ है गर्म पानी में, मैंने 10 मिनट पहले ही डाल दिया था, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा भीग गया है। एक्चुअली हमारा प्लान दोपहर से ही था, क्योंकि भाभी बैटर लेके आए थे, तो दोपहर से हमारा प्लान था, खाना पीना खाकर थोड़ा देर आराम किया था हम लोगों ने, और उसके बाद में फिर लग गए थे काम में। गुड़ डाल दिया यहाँ पे मैंने कूट के, ताकि अच्छे से, मतलब बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है तो गलने में टाइम लगता है ना, तो इसलिए मैंने कूट के डाला कि जल्दी से हो जाएगा। और जो इमली भिगो कर रखा था उसको हाथों से मसल के छान के मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्ट्रेनर के हेल्प से। ऐसे थोड़ा बहुत बीज रहता है ना इसमें, थोड़ा बहुत वो जाले जैसे भी रहते हैं, मतलब रेसे जैसे भी रहते हैं, तो वो भी छन जाएंगे, और इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। तो ये सांभर बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनता है और बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, जो भी खाते वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा बना है। ज़्यादा तामझाम भी नहीं, आप देखो कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि वेजिटेबल हो तो ही हम बना सकते हैं, तो सिंपल तरीके से भी आप बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। मैंने दूसरे बर्नर पर ट्रांसफ़र कर दिया ताकि मैं उधर मसाला तैयार कर सकूँ सांभर का बोल रही हूँ, डोसा का, क्योंकि हस्बैंड को चाहिए होता है, मतलब और किसी को तो नहीं, भाभी को भी नहीं चाहिए होता है, हम लोगों को भी इतना ज़्यादा नहीं है, सिंपल डोसा हम लोग खा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड को चाहिए होता है, इसलिए मैंने आलू थोड़ा ही उबाला। आप देख सकते हो कि मैंने कुकर में दाल के साथ ही उबाल लिया था, क्योंकि कम उबालना था, इसी वजह से। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, डाला है राई, करी पत्ता, और उसके बाद में मुझे पता लगा कि मैंने प्याज तो कट किया ही नहीं है, तो वापस गैस बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हो करी पत्ता और राई को तड़कने के बाद में गैस बंद किया, फिर मैंने प्याज काटना शुरू किया है यहाँ पे। तो अब मैं प्याज ऐड करूँगी, प्याज लंबे लंबे टुकड़े में ही डालती मैं इसमें, और इसमें कुछ ज़्यादा मैं डालती भी नहीं हूँ। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा कटा, मतलब हरी मिर्ची काट के डालती हूँ मैं, और बस, और कुछ भी मसाले मैं इसमें ऐड नहीं करती। धनिया पत्ता बोल रही हूँ, मतलब धनिया जीरा पाउडर या कोई भी मसाला मैं ऐड नहीं करती, बहुत सिंपल ही जो मसाला है वो मैं तैयार करती हूँ। तो यहाँ भाभी आ जा रहे थे और बच्चों के साथ में खेल रहे थे, तो बच्चों के साथ में कोई ना कोई चाहिए ना, नहीं तो फिर वो इधर उधर भागने लगते हैं, चोट लगने का डर रहता है। तो भाभी ने मुझे बता दिया कि कैसे करना था चटनी का काम, तो वो मैंने कर लिया था, और उसके बाद में फिर भाभी बच्चों के साथ में थे, क्योंकि कोई ना कोई होना चाहिए बच्चों के साथ में, अकेला कोई बच्चा होता है बदमाशी नहीं करता, पर दो बच्चे होते हैं ना तो वो बदमाशी करते हैं, तो उन पर ध्यान देना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैंने जो सांभर है उसको दूसरे बर्नर में ट्रांसफ़र करके और बीच बीच में चलाती भी रह रही हूँ, और ताकि लगे नहीं, यहाँ एक्चुअली मैं निकाल रही हूँ टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा, ताकि टेस्ट किया जाए, अगर कुछ कमी हो तो उसको ऐड कर सकते हैं। कटा हुआ प्याज मैंने डाल दिया है मसाले के लिए, और
उसको मैं चला रही हूँ, मतलब कई सारे काम साथ में भी मेरा हो रहा है। और थोड़ा बहुत मैंने हल्दी डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने डाल दिया था मिर्ची पाउडर, और साथ में प्याज के साथ मैंने हरी मिर्च कट कर लिया था। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ मसाला जो है, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं बनाती मैं। नमक डाल दूँगी जितना भी चाहिए, और थोड़ा सा हमें इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा स्टिकी करने के लिए, थोड़ा सा जैसे डोसा पे चिपके इस तरीके से थोड़ा सा पानी हमें इसमें डालना होता है ताकि थोड़ा सा स्टिकी बने। मिक्स कर दूँगी जो डाला है हमने नमक उसको अच्छे से। और यहाँ मैंने देखो साथ साथ में चटनी का काम भी मैं कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके मैं पीसती भी रहूँ बीच बीच में, जितना मुझे टाइम मिले उस हिसाब से, क्योंकि देखो ये सारा काम ना तामझाम वाला है, थोड़ा सा टाइम लेके करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है। भले ही बैटर हमने बाहर से मंगा नहीं लिया, एक्चुअली भाभी लेके आए थे, मंगाया नहीं है, भाभी लेके ही आए थे। तो भले बैटर बाहर का है, रेडीमेड है, लेकिन फिर भी जो तैयारियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो उसमें टाइम तो लगता ही लगता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं यहाँ पे ऐसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और उसके बाद में फिर मैं चटनी बना लूँगी और फिर सबका खाना सर्व करूँगी। ये वीडियो रक्षाबंधन से एक दिन पहले का है, पर रक्षाबंधन वाला जो ब्लॉग है मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो अगर आप सबने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए किस तरीके से हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था। मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिवल से जो रिलेटेड ब्लॉग होते हैं, वीडियो होते हैं, वो एक आध दिन में ही चले जाएँ तो अच्छा है, 10-15 दिन बाद मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता, फिर कुछ मतलब नहीं समझ में आता एक्चुअली। तो इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि जो फेस्टिवल से रिलेटेड जो मेरे ब्लॉग बनते हैं, वीडियो बनते हैं, वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ। तो वो वीडियो मेरा पहले चला गया है और ये एक दिन पहले का है, तो मैं अभी इसे पोस्ट करने वाली हूँ, मतलब अब ये जाएगा। वो मंदिर में खीर हुई थी अभी, तो उसका बल्ब पकड़ती है वो बेटा, वो करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा, हाँ उसमें करंट आएगा। आपकी थाली लगा दे रही हूँ भाभी, आप चालू करो, क्योंकि ये मैं ही खा लू। हाँ तो ये लोग कहाँ हैं, आप यहाँ बैठ जाओ, खाते जाओ। प्याज थोड़ा घसा है इस पे, नहीं हो जाएगा। और यहाँ मैंने डोसा बनाना शुरू कर दिया है, और हस्बैंड एक्चुअली लेके जा रहे थे बच्चों को बाहर घुमाने के लिए, तो मैंने बोला भाभी को कि आप खा लो और उसके बाद में फिर मुझे आप सर्व कर देना बना के, तो मैं खा लूँगी। आज हमने कुछ अलग किया है, क्योंकि हमेशा हम मतलब जैसे ये खा लेते हैं, हस्बैंड खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, फिर हम खाते हैं। कभी कभी मैं भाभी का खाना साथ में ही सबके सर्व कर देती हूँ, जब कुछ नॉर्मल चीज़ें बनती हैं जैसे दाल चावल रोटी सब्जी है तो वो तो साथ में सर्व किया जा सकता है सबके, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हम बनाते हैं तो ये तो एक एक करके ही हम बना पाते हैं ना, तो फिर एक एक करके ही सर्व कर पाते हैं। तो मैंने भाभी को बोला कि आप खा लो और जब वो लोग आएंगे तब उनका हम बना के सर्व कर देंगे, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे कि लेके चलो थोड़े बाहर घुमा के लेके आओ, तो फिर हस्बैंड उन लोगों को लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं भाभी से बात भी कर रही हूँ और बना भी रही हूँ। यहाँ मैं भाभी का खाना सर्व कर रही हूँ, भाभी पास में ही बैठी हैं चेयर पे, और मैंने कोशिश की है कि आप सबको मैं रेसिपी दे सकूँ। हाँ दिखा नहीं पाई डिटेल में अच्छे से, पर मैंने बताया सब कुछ है, तो अगर आप सब इस तरीके से बनाना चाहो तो बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे वेजिटेबल्स हमारे फ्रिज में हों तो ही हम सांभर के लिए प्लान करें, मतलब सिंपल तरीके से भी हम बना सकते हैं और आपको कोई भी कहीं भी कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। मैं तो हमेशा इस तरीके से बनाती हूँ, जैसे हमने बताया कि मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता वेजिटेबल्स वाले सांभर, इसी वजह से मैं हमेशा सिंपल वाले ही बनाती हूँ, पर बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। थोड़ा सा प्याज और टमाटर को मोटे मोटे कट करने होते हैं ताकि वो दाल में घुल मिल ना जाए, वो दिखे और गाढ़ापन लाए जो हमारा सांभर है उसमें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पहली बार मेरे चैनल पर है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।